नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रीमियम क्लास का ये हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है और आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ में वर्षा, छत्तीसगढ़ में ऋतुएं और छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, इन सारे टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ की जलवायु को समझने के लिए आपको पहले जलवायु का अर्थ समझना होगा। तो पहले हम जलवायु का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मौसम से काफी करीब है। आपने मौसम किसी से भी जनरली पूछा ही होगा कि कल का मौसम वहां कैसा था, आज का मौसम कैसा रहेगा। तो ये जो मौसम शब्द हम उपयोग करते हैं, ये किसी छोटे भूखंड के लिए और बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे आज का मौसम, कल का मौसम, एक हफ्ते पहले का मौसम, तो ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। ठीक इसके विपरीत जलवायु बड़े भूखंड और बड़े कालखंड के लिए प्रयुक्ति किया जाता है। मतलब 15 साल, 30 साल का एनालिसिस किया जाता है और इस हिसाब से जलवायु निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंड के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए, छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था मौसम और जलवायु में। जलवायु अरबी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के दिशा में परिवर्तन। मुख्यतः जलवायु दो प्रकार के होते हैं, पहला है सम जलवायु और दूसरा है विषम जलवायु। सम जलवायु का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गर्मियों में ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना सर्दियों में अधिक सर्दी। ठीक है, सम जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जहाँ गर्मियों में ना अधिक गर्मी और ना सर्दियों में ना अधिक सर्दी पड़े। ठीक है, विषम जलवायु इसके विपरीत होता है। विषम जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ में आपको इन दोनों कंडीशन को देखने को मिलता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है अक्षांश और देशांतरी स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, वनों का घनत्व, हवाओं की दिशा। तो इन सारे चीजों पर निर्भर करता है जलवायु। ठीक है, जलवायु किसी क्षेत्र विशेष की कृषि, वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या आदि पर गहरा प्रभाव डालती है। तो ये बेसिक चीज हो गया जलवायु के बारे में आपको समझना होगा। अब आगे बढ़ेंगे, हम छत्तीसगढ़ की जलवायु पर फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर ये भारत है तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो मध्य में स्थित है लगभग लगभग। इस कारण यहाँ की जलवायु भारत के जलवायु से बहुत समानता रखती है। छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। छत्तीसगढ़ का औसत तापमान 20 से 35 डिग्री के आसपास होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस तरह की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, या इसको एक और नाम दिया जाता है उपार्द्र महाद्वीपीय। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकृति के है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी या उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र, इन तीन भागों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जब मैंने पढ़ाया था, कर्क रेखा के बारे में छत्तीसगढ़ का जो जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा के समीप जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्म में अधिक गर्मी एवं शीत में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, ग्रीष्म में अधिक गर्मी एवं शीत में अधिक ठंडी पड़ती है। तो ये विषम जलवायु वाला क्षेत्र हो जाता है। इस क्षेत्र में वनों की अधिकता के कारण गर्मी में नियंत्रण रहता है। देखिए, गर्मी में अधिक गर्मी तो यहाँ पड़ती है, लेकिन इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, वनों का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वन बाहुल्य प्रदेश है वो, इसलिए वहां पे गर्मी में नियंत्रण रहता है। पाट प्रदेश में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में मैनपाट का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री तक नीचे आ जाता है और इसे छत्तीसगढ़ का सबसे
ठंडा क्षेत्र माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? मैन पार्ट। फिर बीच का हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान। इस क्षेत्र में वन क्षेत्र बहुत कम है, यह छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका है इसलिए वन क्षेत्र कम है, इसलिए यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है एवं सामान्य ठंडी होती है। ठंडी सामान्य होती है क्योंकि वन कम है और वन क्षेत्र कम है इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ती है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। तीसरा है बस्तर की पहाड़ी। तो हम यहाँ पे देखेंगे बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वनों की अधिकता एवं पहाड़ों के कारण अधिक सर्दी पड़ती है एवं गर्मी सामान्य होती है। तो अब हम रीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कर्क रेखा, तो देखिए कोरिया सूरजपुर बलरामपुर से होकर जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे वन जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा है इसलिए गर्मी में कंट्रोल हो जाता है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, बीच की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान, इसमें क्या है, वन की कमी है। ठीक है, वन क्षेत्र कम है, मैदानी इलाका है, इसलिए यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ता है और सामान्य ठंडी रहता है। नीचे यहाँ पे भी वन क्षेत्र ज्यादा है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, इसलिए यहाँ पर सामान्य गर्मी और अधिक सर्दी होती है। तो इस तरह से आप मैप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आप बताइएगा चांपा। कौन से जिला में? जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कहां पर है? मैनपाट। और ये कहां पर है? सरगुजा में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का औसत तापमान 20 से 35 डिग्री। औसत का मतलब पूरे साल के तापमान का औसत। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का औसत तापमान 20 से 35 डिग्री। उसके बाद शीत ऋतु में औसत तापमान, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि कितना ठंडी पड़ता है। तो औसतन ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 40 से 45 डिग्री, मतलब इतना गर्मी पड़ सकता है। और शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो 15 से 20 डिग्री के आसपास होता है। पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ठंडा अगर आप देखेंगे तो मैन पार्ट में 0 डिग्री तक चले जाता है और सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा में 40 से पार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अधिकतम औसत वार्षिक तापमान वाला जिला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिला औसत वार्षिक तापमान वाला, तो जिले में आ जाएगा रायगढ़। और न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान वाला जिला, ठीक है, ये हम बात करें औसत की। ठीक है, और ये सर्वाधिक गर्म सर्वाधिक ठंडा, यहाँ पर कहीं भी औसत नहीं लिखा होगा और ना ही कहीं पे जिला लिखा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जिला लिखा हुआ है। अधिकतम औसत वार्षिक तापमान वाला जिला रायगढ़, इसके बाद जांजगीर आ जाता है, फिर बिलासपुर भी आ जाता है। न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान वाला जिला अंबिकापुर। सर्वाधिक गर्म महीना मई महीने को माना जाता है छत्तीसगढ़ में। और सर्वाधिक तापांतर वाले जिले कांकेर और जगदलपुर। तापांतर मतलब गर्मी भी है लेकिन यहाँ पे वर्षा होती है, तो ताप में अंतर होता है। ठीक है, गर्मी के दिन भी वर्षा होती है, कहाँ पे? कांकेर और जगदलपुर। और ये जो तापांतर रहता है वो कितना रहता है? 14.9 डिग्री के आसपास, 14.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कौन से जगह? कांकेर और जगदलपुर। तो ये चीज हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, चांपा आपको क्या याद रखना है? चांपा में सर्वाधिक गर्म स्थान। मैन पार्ट के संदर्भ में आपको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान। अंबिकापुर के संदर्भ में आपको याद रखना है कि न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर रहता है। ठीक है, न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान। और रायगढ़ में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान, तो इतना आपको याद रखना है। फिर कांकेर और जगदलपुर, यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर रहता है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों के विशेष नाम। जैसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सन्ना को। ये कहाँ पर है? जसपुर में। तो सन्ना हो गया छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैनपाट, इसलिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ये सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है, ये कहाँ पर है? कोरबा में। तो चैतुरगढ़ को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर। ये तीन नाम आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। तो तीन तरह की ऋतुएं छत्तीसगढ़ में हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इन तीनों ऋतु के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है 21 मार्च के उपरांत। सर्वाधिक गर्म महीना अप्रैल मई, जनरली हम मई को मानते हैं लेकिन अप्रैल मई एक कॉम्बिनेशन में आप याद रखेंगे। ठीक है,
मई एवं जून माह में जो शुष्क हवाएं चलती हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, उसे लू के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु ये 21 सितंबर के आसपास आरंभ होता है और सर्वाधिक ठंडा माह दिसंबर जनवरी को माना जाता है। वर्षा ऋतु 15 जून से ये शुरू होता है और सर्वाधिक वर्षा कौन से माह में होता है? जुलाई और अगस्त में। फिर अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में वर्षा। तो ऋतु के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस उतना ही याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु की अवधि 15 जून से 15 सितंबर के बीच होती है। कब से कब? 15 जून से 15 सितंबर। छत्तीसगढ़ में वर्षा की प्रवृत्ति कैसी है? मानसूनी, मतलब मानसून पर ही आधारित है। छत्तीसगढ़ में वर्षा की प्रवृत्ति मानसूनी है, डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा। ठीक है, मानसून का प्रवेश कब होता है? 10 से 15 जून के मध्य, 10 से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश होता है। जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पे भारत है और ये छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है, लेकिन इसकी दो शाखा रहती है, एक अरब सागर से होकर जाता है और एक इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो एक अरब बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी से होकर जाएगी और एक अरब सागर की होकर जाएगी। दो शाखाओं में विभक्त होकर छत्तीसगढ़ में पहुंचती है, जिसमें बंगाल की खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा इसी के कारण होती है, बंगाल की खाड़ी के कारण ही छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा होती है। और अरब सागर छत्तीसगढ़ में 10% वर्षा अरब सागर के कारण होती है। छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा दिवस 67, ठीक है, 67 दिन है, 67 दिन औसत वार्षिक दिवस। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 125 से 130 सेंटीमीटर एमएम में 1300 से 1325 एमएम। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आप याद रखिएगा, 125 से 130 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? जसपुर में। कितना? 172 सेंटीमीटर। हम औसत की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जसपुर में होती है, 172 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने बात कर ली औसत की, लेकिन छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है अबूझमाड़। ठीक है, 187, कहीं कहीं आपको 187.5 देखने को मिलेगा, दोनों याद रख सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अबूझमाड़ में 187 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, कहीं कहीं आपको छत्तीसगढ़ का मासिनराम भी देखने को मिलेगा, तो दोनों याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या छत्तीसगढ़ का मासिनराम किसको कहते हैं? अबूझमाड़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वृष्टि छाया उत्पन्न होने के कारण मैकल श्रेणी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वृष्टि छाया उत्पन्न होती है, पिछले क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो मैकल श्रेणी में सबसे कम वर्षा, मैकल श्रेणी में स्पेशली अगर आपको पूछा जाए कौन से स्थान पर, तो कवर्धा में। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश में कौन कौन सा आता है? कवर्धा, उत्तरी राजनांदगांव और बिलासपुर, लेकिन कवर्धा में सबसे कम वर्षा होता है और सबसे ज्यादा अबूझमाड़ में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जिले की बात करें तो न्यूनतम वर्षा कवर्धा जिले में होती है, जो मैकल रेंज के अंतर्गत ही आता है। छत्तीसगढ़ में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी गर्तों के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम के कारण छत्तीसगढ़ में वर्षा होता है, एक बंगाल की खाड़ी के कारण, तो 90% बंगाल की खाड़ी का कारण हो जाता है, और अरब सागर के कारण। तो ये जो पश्चिम गर्त लिखा हुआ है शीतकाल में, ये इसी के कारण होता है, अरब सागर के कारण, आप याद रख सकते हैं। तो शीतकाल में वर्षा, छत्तीसगढ़ में शीतकाल में वर्षा कहाँ से होती है या किस कारण होती है? पश्चिमी गर्तों के कारण, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और सबसे ज्यादा वर्षा या छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा किसके कारण होता है? बंगाल की खाड़ी के से उत्पन्न मानसून के कारण। आगे बढ़ते हैं, तो यही जो चीज़ है हम मैप में देखेंगे। देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90% वर्षा, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, तो 10% वर्षा पश्चिम गर्तों से शीतकाल में। और अबूझमाड़ में आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक वर्षा छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ में ही होता है, 187 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी इसे कहा जाता है। और जसपुर सर्वाधिक औसत वर्षा, ठीक है, औसतन मतलब साल भर में यहाँ वर्षा होता ही रहा होगा, तो ये औसत हो गया। और सर्वाधिक मतलब अगर होता है तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो औसत और सर्वाधिक में अंतर होता है। सर्वाधिक मतलब अगर हुआ तो बहुत ज्यादा हो गया, 187 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। औसत मतलब
मान के चलो कि 12 महीने, 7-8 महीने यहाँ पे हो गया, एक अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये औसत हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक और औसत, और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना आपको, ठीक है। वृष्टि छाया में कौन कौन सा आता है? कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, ये इलाका वृष्टि छाया के कारण कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, और कवर्धा सबसे न्यूनतम, सबसे कम वर्षा वाला जिला हो गया, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है फिर छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण इसका प्रायद्वीप पठार का हिस्सा होना है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये प्रायद्वीप पठार है और यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में शैल समूह की विविधता के कारण, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था टोटल जो शैल समूह थे उसके बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ पे आपको बताया भी गया था कि कौन कौन से शैलों के अपरदन के कारण, चट्टान के अपरदन के कारण किस किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में शैल समूहों की विविधता के कारण यहाँ की मिट्टियों में भी विविधता पाई जाती है। मृदाओं के गुणधर्म के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग? लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो कंटिन्यू यहाँ पे आपको याद रखना है, कलर लाल, लाल पीली, लाल रेतीली, लाल दोमट मिट्टी, उसके बाद एक काली मिट्टी, और पांचवा है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, 55 से 60%, लाल रेतीली मिट्टी 20 से 25%, और लाल दोमट मिट्टी 10 से 15%, काली मिट्टी 8 से 10%, लैटेराइट 2 से 5%। अगर आप अलग अलग किताब खोलेंगे तो आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, जैसे ये 50 से 60 अगर आपको कहीं मिलेगा, ये मिलेगा 30 से 40 या 20 से 30। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना नहीं है एकदम, जो 2-3 बुक से मैंने देखा है जो एग्जैक्टली ये डेटा है वो मैंने फॉलो किया है, तो चाहो तो आप अलग डेटा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5% का जो डिफरेंस रहता है वो उतना मैटर नहीं करता, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब एक एक मिट्टी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। पहला है लाल पीली मिट्टी, इसका निर्माण धारवाड़ एवं कड़प्पा चट्टानों के अपरदन से होता है, इसी कारण इसमें चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, जिसके कारण ये कम उपजाऊ होती है। आपको याद रखना है लाल पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ होती है, लेकिन धान के लिए उपयुक्त होती है। मैदानी इलाका में ये मिट्टी है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, तो बीच का जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसी इलाका में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विस्तृत है छत्तीसगढ़ में, और इसी कारण यहाँ पे धान होता है, और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, रेत की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसका पीएच मान पूछा जाता है, याद रखिएगा 5.5 से 8.5, आपको कहीं कहीं पे दिखेगा 5.5 से 8.4। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट बहुत कम का अगर आपको डिफरेंस दिखता है तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन में इतना कम नहीं आता। अगर आ भी गया तो आप जो डेटा मैं बता रहा हूँ आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। पीएच मान है 5.5 से 8.5, या अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति का है। अगर आप देखेंगे 5.5 तो ये अम्लीय हो गया, और 8.5 अगर आप देखेंगे तो ये क्षारीय हो जाता है। तो ये जो है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति का है। इसका स्थानीय नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मटासी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी। कौन कौन सा फसल यहाँ पे होता है? धान तो आपको याद रखना है, उसके अलावा दलहन, तिलहन और तंबाकू। तो ये जो लाल रंग है इस मिट्टी में और पीला रंग है वो किसके कारण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लाल रंग का कारण जो है वो है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, ये लाल रंग का कारण है फेरस ऑक्साइड। पीले रंग का कारण, इन दोनों को एक ही का बढ़ा दीजिएगा, इसको 3 कर दीजिएगा, इसको 4, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो पीले रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, जबकि लाल रंग का कारण था फेरस ऑक्साइड Fe2O3। इसका विस्तार हम देखते हैं क्षेत्र वाइज कि कहाँ कहाँ पे फैला है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में, जैसे यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा, रायगढ़ का कुछ एरिया, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कवर्धा। तो इतना जो एरिया है यहाँ पर इसका फैलाव है, मतलब 55 से 60% लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है।
दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, इसका जो विस्तार है दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा लाल पीली, उसके बाद लाल रेतीली मिट्टी पाया जाता है 20 से 25%। इसका स्थानीय नाम है टिकरा या रेतीली मिट्टी भी इसे कह दिया जाता है, लेकिन स्थानीय नाम टिकरा ही आपको याद रखना है। रेत की अधिकता के कारण इस मिट्टी को रेतीली या बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, तो जिस मिट्टी में भी रेत होती है, चिकनाई कम होती है, उसकी जल धारण क्षमता कम होती है तथा वो उपजाऊ भी कम होती है। ठीक है, तो कम जल धारण क्षमता इसलिए कम उपजाऊ होती है। यह मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी के लिए उपयुक्त तो होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, लाल पीली, देखिए लाल और पीली दो कलर है तो वो अम्ली क्षारीय स्तर से आप याद रखिएगा, और इसमें सिर्फ लाल है तो ये अम्ली हो गया। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पर है? दंडकारण्य क्षेत्र में, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, राजनांदगांव व बालोद का दक्षिणी भाग। ठीक है, तो राजनांदगांव, बालोद का दक्षिणी भाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, तो ये जो एरिया है यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला है लाल दोमत मिट्टी, इसका विस्तार 10 से 15% है। इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल। ठीक है, ये जो लाल दोमट है यहाँ पे लाल मिट्टी क्यों है? लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। इसे सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि जल धारण क्षमता कम होती है। जैसे जैसे यहाँ पे पानी पड़ता है वो तुरंत पानी सूख जाता है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और जल के अभाव में यह पत्थर जैसे कठोर भी हो जाती है। यह अम्ली प्रवृत्ति की होती है। इसका विस्तार क्षेत्र है सुकमा से दंतेवाड़ा, मात्र यहाँ पर। ठीक है, सुकमा से दंतेवाड़ा में ये है। फिर चौथा है काली मिट्टी, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 8 से 10%। इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान के अपरदन से सॉरी, तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका स्थानीय नाम, दो तीन नाम है, कन्हार, भर्री, रेगुर। ठीक है, कन्हार भर्री ज्यादातर कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, और कुछ कुछ जगह रेगुर, तो सबसे ज्यादा कन्हार आपको याद रखना है, फिर भर्री, फिर रेगुर। ठीक है, तो स्थानीय नाम है ये। रंग काला क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम है ये, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। इसका पीएच मान है 7.8 और इसका प्रकृति ये क्षारी प्रकृति का होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव तत्व की प्रचुरता के कारण इसकी प्रवृत्ति क्षारी होती है। इस मिट्टी में क्ले की अधिकता होती है। बाकी जो भी हम मिट्टी की बात करते हैं वहां पे रेत की मात्रा होती थी, लेकिन इसमें क्ले की मात्रा, मतलब मिट्टी की जो मात्रा, प्योर मिट्टी, यहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं मिलता, जिसके कारण ये चिकना होता है, और चिकनाई के कारण जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लाल दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता, जबकि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है। पानी में कमी के कारण इसमें दरार आती है, आपने देखा ही होगा, काली मिट्टी में अगर पानी की कमी होती है तो उसमें आसानी से दरार आ जाती है, और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रमुख फसल यहाँ पे क्या क्या फसल होता है इस मिट्टी में? गेहूं, चना, गन्ना, कपास इत्यादि। विस्तार क्षेत्र हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी का, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, राजिम, महासमुंद, कुरुद, धमतरी। ठीक है, तो देखिए महासमुंद, राजिम, कुरुद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा और मुंगेली, मतलब इतना यहाँ पर है इसका विस्तार काली मिट्टी का। और काली मिट्टी से आप याद भी रख सकते हैं कि इस जगह में गेहूं का भी उत्पादन या चना का उत्पादन होता है। फिर पांचवा है लैटेराइट मिट्टी, इसका विस्तार मात्र 2 से 5% है। इसका स्थानीय नाम भाटा या मुरमी मिट्टी, इसमें बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। ठीक है, मुरमी तो आपको जानते ही होंगे आप, मुरुम जिसे हम कहते हैं वही है मुरमी, या स्थानीय नाम इसका है भाटा। निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण निक्षारण विधि द्वारा होता है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए कि किस मिट्टी का निर्माण निक्षारण विधि द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है लैटेराइट मिट्टी का। निक्षारण का मतलब क्या होता है? कि इसका जो उपजाऊ हिस्सा होता है वो पानी से हट जाता है। ठीक है, इसमें मिट्टी का उपजाऊ परत जल के बहाव में बह जाता है, इसे ही हम निक्षारण कहते हैं। तो इसका निर्माण निक्षारण विधि के द्वारा होता है।
कंकड़ युक्त यह मिट्टी भवन निर्माण में प्रयोग किया था। आपने देखा ही होगा मुरम वगैरह बिछाते हैं भवन निर्माण में, तो यही है लैटेराइट मिट्टी। इसका यूज कहाँ पे होता है? भवन निर्माण में। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब ये क्षारी प्रकृति का होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। चाय, आलू एवं बगानी फसल के लिए मिट्टी अच्छा होता है। इसका विस्तार पाट प्रदेश में है, बलरामपुर, अंबिकापुर और जसपुर में। ठीक है, तो ये है लैटेराइट मिट्टी, बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर, ये जो है ये एरिया है, आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जो पांचों मिट्टी के बारे में पढ़ा उसका एरिया आपको कंपेयर करके याद रखना है। तो पांचों को मैंने एक साथ बना दिया यहाँ पे। जैसे आप लैटेराइट मिट्टी देखेंगे तो लैटेराइट मिट्टी का ये एरिया आपको दिख रहा होगा, लाल पीली मिट्टी, तो ये जो एरिया है वो लाल पीली मिट्टी का है, ग्रीन वाला। ठीक है, और काली मिट्टी में ये एरिया के साथ ये जो 3 डॉट बने हुए हैं ये काली मिट्टी का है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी ये नीले कलर में जो दिख रहा है ये है, और लाल रेतीली मिट्टी ये एरिया है। तो इसी तरह आप मैप बना लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब इन सबको हम एक टेबल में कंपेयर करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने एक साथ तो पढ़ लिया, अब कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमको ठीक तरीके से याद रहे। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, इसका विस्तार 55 से 60%, इसका स्थानीय नाम मटासी, प्रकृति अम्लीय एवं क्षारी दोनों। ठीक है, तो लाल पीली दो रंग है, इसलिए इसमें प्रकृति अम्लीय और क्षारी दोनों, इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसमें जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड के कारण है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण है। अब फिर दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, 20 से 25%, इसका स्थानीय नाम है टिकरा। अब ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। पहला है अम्लीय क्षारी दोनों, फिर कंटिन्यू 2 बार अम्लीय, फिर 2 बार क्षारी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर लाल दोमट मिट्टी, ये 10 से 15% फैला हुआ छत्तीसगढ़ में, प्रकृति अम्लीय। इसके लाल रंग का कारण क्या है? लोहे के ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। काली मिट्टी 8 से 10% फैला हुआ है, स्थानीय नाम कन्हार। क्षारी प्रकृति का होता है, काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण। और लैटेराइट मिट्टी 2 से 5% भाटा या मुरमी कहा जाता है इसे, इसकी प्रकृति क्षारी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टियों के स्थानीय नाम एवं क्रम देखेंगे, इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला है टिकरा, फिर है छावर, उसके बाद गाद छावर और बारा। कुछ बुक में आपको क्रम अलग देखने को मिलेगा, लेकिन यही क्रम सही है, आप इसी को याद रखेंगे। ठीक है, पहला है टिकरा, उसके नीचे आपको देखिएगा छावर, ठीक है, फिर गाद छावर, फिर बारा। इसी क्रम में आपको याद रखना है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टियों के नाम है। ठीक है, मतलब ये अगर छत्तीसगढ़ है तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टियों के स्थायी नाम है। अब हम देखेंगे बस्तर के पठार, मतलब इधर बस्तर के पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टियों के स्थायी नाम, तो ये भी आपको इसी क्रम में ही याद रखना है। मरहान, टिकरा, माल, उसके बाद गाभर। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? मरहान में कितने वर्ड हैं? 4। 4 के बाद टिकरा में कितने वर्ड हैं? 2, और सॉरी 3। ठीक है, और उसके बाद माल में कितने वर्ड हैं? 2। तो 4 3 2, उसके बाद लास्ट में आपको गभार याद रखना है। ठीक है, तो मरहान, टिकरा, माल, गभार, ये आपको याद रखना है। आप अपनी सुविधा के लिए इस तरह से मैप बना लेंगे, एक इमेज बना लेंगे। ठीक है, टिकरा, छावर, गाद, छावर, बहरा और मरहान, टिकरा, माल, गभार, इस तरह से आप बना लेंगे, और ये उत्तर, ये दक्षिण, इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे दोरसा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कन्हार और मटासी का जो मिश्रण है इसे दोरसा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कछारी मिट्टी, लवण और जैव पदार्थ युक्त मिट्टी को कछारी कहा जाता है, पहाड़ी मिट्टी, भाटा और टिकरा मिट्टी के मिश्रण को पहाड़ी मिट्टी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।